देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि साहब, एक आपके पास मास है जो कि 0.3 kg का है, राइट? और इस पे एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स जो है वो इस ऑर्डर का है, के टाइम एक्स का है। ये फोर्स आप जानते हैं, समझते हैं, नहीं तो जान लीजिए, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए हम ये स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है, और इसका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको के कहते हैं। तो होता यह है कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो स्प्रिंग क्या करती है, जैसे ही आप यूं खींचते हैं तो जैसे ही छोड़ते हैं खट से आ जाती है। मेरे पास इस समय मेज पे, मेरी टेबल पे कोई स्प्रिंग नहीं रखी है, पहले तो बहुत रहती है। ये जो सफाई का भूत है ना हमारी पत्नी को, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे, ज्यादा नहीं कहेंगे। तो जैसे ही आप यूं स्प्रिंग को खींचेंगे, समझ लीजिए वो फिर से क्या हो जाता है, फिर से अपना वापस आ जाती है। एम राइट? तो ये एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि लेंथ पे डिपेंड करता है। फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, चाहे उसको दाबिए, जितनी लेंथ आप दाब रहे हैं, चाहे जितना कंप्रेस कर रहे हैं, चाहे जितना इलांगेट कर रहे हैं, चाहे जितना खींच रहे हैं, जितना आप दाब रहे हैं, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके बराबर हो जाता है। बाकी तो आप जानते हैं, न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान पे क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए साहब, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपका माइनस के एक्स के बराबर है। तो इन्होंने कहा कि हम के भी बता देते हैं, मास तो बता ही दिया। क्या लगे साहब, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन फैक्ट वही है, 15 न्यूटन पर मीटर का। क्या लगे जब वो एक्स बराबर 20 सेंटीमीटर पे है, ध्यान रहे 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या लगे उसकी इनिशियल एक्सेलेरेशन बताइए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, आप इस फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि इसके बराबर है, ये पैदा किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ कि साहब इसको खींचते हैं तो पीछे स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, ताकि जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ठक से पीछे खींच लेती है, बस काम बन गया। आपने कहा है बराबर एम ए, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन होता है, जब आप दाबेंगे तो पीछे फेंकेगा, खींचेंगे तो पीछे आएगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसका उल्टा होता है। तो उसको बताने के लिए माइनस यूज करते हैं, काम बन गया। तो हमको साइन मैग्नीट्यूड बताना था, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं थी, तो हमने कह दिया ए इक्वल टू के एक्स अपॉन एम। के आपका एसआई यूनिट में है, कोई चिंता नहीं, ये आपका सेंटीमीटर में मीटर कर दिया, और ये आपका केजी में तो है ही, बस काम बन गया दोस्त। इसको उड़ा दीजिए, ये कर दीजिए, 3 5 15, इससे ये चला गया तो केवल बचा 5 9 10, यानी कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट?